हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि कैसे आप यह पता करें कि आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का वर्जन इंस्टॉल है, जैसे कि 2010, 2013, 2007 ऐसे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल हाई स्कूल इंस्ट्रक्टर को और पास में बने बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन में ऑल को सेलेक्ट करें ताकि आपको मिले हमारे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर जाना है और अब आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है विंडो प्लस आर। जैसे ही आप विंडो प्लस आर प्रेस करेंगे दोस्तों, तो आप देखेंगे कि जो रन कमांड विंडो है वो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी। अब आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करना है एक्सेल के लिए EXCEL और एंटर प्रेस करना है। आप जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे अगर आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल इंस्टॉल है तो वह आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक को सिलेक्ट करना है तो आप देखेंगे कि जो मेरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल है वह स्टार्ट हो चुका है। अब आपको सिंपली यहाँ पर एक फाइल मेन्यू मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा अकाउंट, आपको उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्लिक करते ही दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर इसने दिखा दिया कि मेरे पास में जो प्रोडक्ट है वह एक्टिवेटेड है और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2013 मेरे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल है। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं कि आपके कंप्यूटर के अंदर कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या फिर कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल का वर्जन इंस्टॉल है। तो अगर से आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।